वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम सहराम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सिरवी और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक क्या है, थंबनेल में देखा होगा कि क्या है हमारी डेस्टिनी में, क्या लिखा है हमारी किस्मत में हमारे कर्मों ने। ओके अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन कहाँ से आ गई कि क्या लिखा है हमारी किस्मत में हमारे कर्मों ने। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए मैंने बोली। अब मैं क्यों बोल रही हूँ बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि डेस्टिनी की रीडिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मांग थी और भाई हमारी जो फैमिली मांग करेगी हम उसको पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे, तो मैंने ये रीडिंग रखी है। लेकिन क्या है ना, अब जैसे मैं रीडिंग करूँगी, अब जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी। आपको पता है मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं, जो भी होगा मैं बोल दूँगी। अच्छा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रयास करना बंद ना करें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपके कर्मों से, जो भी आता है आपके कर्मों से आता है। जो भी लिखा होता है आप अपने कर्मों से लिखते हैं, आप अपने कर्मों की कलम से लिखते हैं अपनी डेस्टिनी को, मेरा ये मानना है। ऐसा नहीं होता कि कहते हैं ना, जैसे मेरे पास आते हैं कई सारे क्लाइंट्स, बोलते हैं कि भाई हमने अपनी कुंडली दिखवाई, हमने अपना हाथ दिखवाया ये पाम रीडिंग, और हमें बताया गया कि भाई आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, अब ऐसे ही रखो, काट लो ज़िंदगी, काट लो बस। तो वो हमारे पास, मतलब मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम आप, वो तो मुझे पता ही है कि कुछ होने वाला है नहीं सब बेकार ही है, लेकिन आप एक बार ही कन्फर्म कर दो कि मतलब है ऐसा कि या कोई गुंजाइश है क्या ऐसे पूछते हैं, तो मुझे हंसी आती है। और फिर मैं उनको समझाती हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि देखने वालों ने, जिन्होंने आपकी कुंडली देखी या जिन्होंने आपकी पाम रीडिंग करी है वो गलत करी है, नहीं, वो सही करी है। लेकिन क्या होता है, जो आप कर्म करते हो ना उसी आधार पर आपकी रेखाएं भी चेंज होती है। आपको पता होगा यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे रीडिंग देखते हैं जिनको इसका भी ज्ञान होगा, ठीक है। तो आप लोग उनको बताइए, आप लोग इनकरेज किया करो लोगों को कि ये रेखाएं भी बदलती रहती हैं, ठीक है। आप जैसे कर्म करते हो ना उसी आधार पर, और उसी आधार पर आपकी किस्मत बनती है। कुंडली में मैंने बहुत से लोगों का देखा है, कुंडली में लिखा है कि उनको राजयोग है, नहीं मिला, और कुछ लोगों को लिखा है कि भाई वो तो कभी उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, फकीर ही रहेंगे, और लो वो तो राजा बन गए। तो बस यही है, कर्म के आगे कुछ नहीं होता, कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी को बना सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं रीडिंग करूँगी, अब इतना मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी बता दूँ, क्योंकि यहाँ मैं जो रीडिंग करूँगी उसमें हो सकता है कुछ भी आए। अगर अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, खुश उसके लिए सेलिब्रेशन करना, ठीक है, डांस कर लेना बैठे बैठे और अगर कुछ ऐसा आता है जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि इसमें सुधार हो जाए। निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जब तक मैं हूँ, कम से कम जब तक मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करूँगी, आप लोगों को रेमेडीज़ बताऊँगी। आप लोगों का काम बस इतना है कि आप उसे फॉलो करो और खुश रहो, ठीक है। मैंने इसलिए इतना बोला क्योंकि अभी मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स करेंगे क्यों इतना बोली, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था। जो मन में लोगों के भ्रम बैठा हुआ है ना, उसको निकालने की ज़रूरत है। एक हीलर का काम वही होता है, गाइड का काम वही होता है, और वही मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैंने क्या लिया है, आज मैंने लिए हैं बर्थ मंथ्स। आपको ये ग्रुप सिलेक्ट करने हैं। ग्रुप नंबर वन में जो बर्थ मंथ्स आते हैं वो आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, अगर ये आपके बर्थ मंथ्स हैं तो आपको ये ग्रुप देखना है, इसकी रीडिंग देखनी है। अगर आपके बर्थ मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आप इस वाले ग्रुप की रीडिंग देखोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपकी डेस्टिनी में और क्या ब्लॉकेजेस हैं और आप उनको कैसे निकाल सकते हो। अगर ब्लॉकेजेस आते हैं नज़र तो नहीं आते तो कोई बात नहीं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। और जनरल से मेरा मतलब है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें तो उनको जाने दें, ठीक है। टाइमलेस है यानी कि कभी भी देख सकते हो, जनरल लेस है यानी कि कोई भी देख सकता है, ओके। एंड 709 टैरेट फैमिली जो है वो सभी के लिए है भाई, आप किसी भी धर्म जाति से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर आ सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, आप देख लो, कमेंट करके देखो, वो आपको रिप्लाई कर देंगे अगर मैं नहीं कर पाई तो, ठीक है ना। और इसके बाद भी गाइस, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर सभी लोग,
काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर भी देखना, वीडियो में कमेंट करते हैं लोग कि हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और देखो मैं फीडबैक भी डाल रही हूँ आजकल, आप देखना वीडियोज़ डाल रही हूँ मैं लोगों के, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि मेडिटेशन करने से, मैनिफेस्टेशन करने से उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। ठीक है, अब फीडबैक वहाँ पर लिखा है तो ये मत सोच लेना कि मैंने कुछ ऐसा वहाँ पर वीडियोज़ डाले हैं कि मेरी तारीफ़ हो। ठीक है, मैंने सभी को बोला है ये इस तरीके की कोई बात मत करना, क्योंकि लोगों के अंदर ना बहुत जल्दी ये भावना आ जाती है कि हाँ आपने पब्लिसिटी कर रही हैं सच में। तो मैंने सबको बोल रखा है कि भाई इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, सिर्फ मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन का बताओ कि कैसे इसने आपकी लाइफ को चेंज किया, और वही लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग थोड़ा इस पर विश्वास करें, विश्वास नहीं करते लोग। ठीक है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देखा करो, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो और नाचो गाओ, और चलो अब हम रीडिंग देखेंगे, बहुत बातें होगी। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं, हमेशा ना मेरा ब्लूपर हो जाता है बोलते बोलते, जनवरी मार्च जून जुलाई सितंबर नवंबर, जनवरी मार्च जून जुलाई सितंबर नवंबर। ठीक है, ये मंथ्स अगर आपके हैं, अगर बर्थ मंथ्स ये हैं, तो चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है, क्या लिख रखा है आपके कर्मों ने, आगे पीछे के जो भी कर्म होंगे सब समेट कर आ जाएंगे यहाँ पर सब आ जाना है भाई। चलो देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्स, वेरी नाइस, ओके, सेवन ऑफ कप्स, टेंशन मत लेना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं हूं तो वैसे यहाँ पर तो कार्ड बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों के ना धक धक होता रहता है, धक धक, पता नहीं क्या कौन सा कार्ड आ जाएगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार, हीलर्स हैं बाय द वे आप लोग, ठीक है, मैं ये बता दूँ स्टार का कार्ड है तो ज़्यादातर स्टार सीड्स के लिए ही आता है मेरी रीडिंग में, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, क्योंकि सभी जो रीडर्स होते हैं वो अपने कार्ड से अपनी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उनकी एनर्जी उनसे किस तरीके से कनेक्ट हो सबका अलग अलग होता है ना। मैं अगर मेरी रीडिंग में ये आता है स्टार का कार्ड, तो ये बताता है कि आप बेशक एक स्टार सीड हो और आपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे बचपन से लेकर अब तक, काफ़ी सारे लॉस हुए होंगे, बहुत सेक्रीफाइस आपने किया होगा दूसरों के लिए ज़्यादा सोचा, खुद के लिए कम सोचा। ठीक है, ऐसे एनर्जी में आप रहे होंगे ज़्यादातर जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगी मतलब मैंने बताया, ज़रूरी नहीं कि सभी यहाँ कुंभ राशि के ही हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग आपसे। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है ना, इसलिए आपकी फैमिली में भी बहुत कम बनती होगी, जबकि आपका दिल बहुत अच्छा है, सबका भला आप सोचते हैं, घर वालों का भी भला सोचते हैं, बाहर वालों का भी भला सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में कम ही बनती होगी घर वालों से, और स्पेशली आपकी मॉम से हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्स, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि आप जितने टैलेंटेड हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते, मतलब जिस अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप जो सोचते हो कि इस पोस्ट पर मुझे होना चाहिए था, तो हाई प्रेस्टेज, यस मुझे पता ही था, आप हीलिंग एनर्जी मुझे पहले ही नज़र आ रही है क्योंकि स्टार का कार्ड था ना, और हर्मिट देखो है, थर्ड आई चक्रा की बात करते हैं ये कार्ड्स, और आपका ऑलमोस्ट होगा ही ओपन, अगर नहीं होगा तो होने वाला है, टफ रही है जर्नी आपकी बाय द वे। अच्छा मैं यहाँ इसके ऊपर कार्ड रख रही हूँ, आप को तो पता ही है कौन सा ग्रुप देखा जा रहा है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ सोर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको,
यहाँ से भी मैं कार्ड्स लूँगी गाइस। कार्ड्स मैं पहले ही रख रही हूँ ताकि कोई भी अवरोध ना हो जब मैं बोलूँ, मतलब बीच ऐसा ना हो कि फिर कुछ और मैं बताऊँ बाद में आधे आधे कार्ड्स निकाल कर, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आप लोग ना थोड़ा सहयोग करें। ओके, दी एम्परर। मून है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ से मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स लूँगी क्योंकि मुझे एनर्जी भी जाननी है कि किस एनर्जी में आप ज़्यादातर रहते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वेरी नाइस। यहाँ पर है सेकेंड चक्र। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा जी, तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगी और गाइडेंस के लिए कार्ड्स फिर मैं बाद में देखूँगी। पहले आपको बताऊँगी कि यहाँ पर है क्या, और फिर मतलब कुछ ऐसा बताऊंगी कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, और फिर आपकी डेस्टिनी के बारे में बताऊंगी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ उनमें हैं बहुत ही अच्छे से, और अभी से नहीं बचपन से हैं। उनको ड्रीम्स वगैरह आते होंगे, साइंस मिलते होंगे, ये सब कुछ उनके साथ होता होगा भले ही वो बिलीव ना करते हों, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो लेकिन मुझे लगता है होगा। हो सकता है आप जब जन्म लेने वाले थे, हो सकता है आपसे पहले कोई बेबी हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स का, जो नहीं रहा, जैसे क्या बोलते हैं, मिस कैरेज होना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया हो कि आपकी मॉम ने आपको बताया हो कि बेबी था और फिर वो नहीं रहा, देन अगेन हमने प्रे किया और उसके बाद आप हमें मिले। हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे लेकिन करेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं ऐसे, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसा उन्होंने बोला हो कि उसके बाद काफ़ी सारी मन्नतें उन्होंने मांगी और फिर आप उनको मिले, ठीक है। तो आप एक मिरेकल से कम नहीं हो उनके लिए। उसके बाद भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली से आपकी कम ही बनती है, विचारों में मतभेद रहते हैं, स्पेशली आपके मॉम के साथ, ठीक है। या तो आपकी मॉम हो सकती हैं या फिर आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई फीमेल फिगर हो सकता है जिनसे आपकी बहुत ही कम बनती है, और एक तरीके से आपको लगता होगा कि ये आपके कार्मिक हैं। ये चीज़ आपके मन में हमेशा आती होगी क्योंकि कार्मिक वगैरह के बारे में आपको पता होगा अगर आप ये रीडिंग देखते हैं, तो कि कार्मिक कनेक्शन होते हैं, सोलमेट कनेक्शन होते हैं, तो इनके साथ में आपको लगता होगा कि कोई कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि आपकी जो मॉम है, आपकी सिस्टर है, उनका नेचर कुछ ऐसा है कि हमारी चलनी चाहिए, हम सही हैं, हम सही सोचते हैं, हम सही करते हैं, तुमको नहीं पता, या फिर अगर गलत भी कुछ कर रही हैं तो वो कहेंगी कि मैं माँ हूँ या मैं बड़ी बहन हूँ तो मेरी ही चलेगी, ये वाला नेचर हो सकता है उनका हो। और आपका बिल्कुल अपोजिट है, आपका ये रहता है कि जो सही है वो करो, मतलब आप बड़े हो या जो भी रिश्ता है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत करो, और इन्हीं बातों पर हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइट होती हो, ये पॉसिबल है। और जनरल रीडिंग है, याद रहे गाइस, ठीक है। तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा, हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा बनती हो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों की एनर्जी है वो ऐसी आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत ही तो स्ट्रगल आपने सहा है, और वो भी बचपन से, हो सकता है जब आप छोटे थे ना तब तब से आप बहुत बीमार रहते हो, ठीक है, कोई ना कोई तकलीफ रहती हो, जैसे कभी बॉडी पेन हुआ, कभी फीवर आ गया, कभी पेट का दिक्कत लग गया, कभी हेडेक हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से छोटी 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 मोटी दिक्कतें आपको लगी रहती होंगी। अब जैसे आप स्कूल गए तो आपको इसका बहुत प्रॉब्लम हो गया, पिंपल वगैरह का। अब ये मत कहना कि ये तो सभी को होता है, सारी लड़कियों को एक टाइम पर होता है, होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिससे आप बहुत स्ट्रेस में रहे, जिससे क्या हो जाता है ना कि ये चीज़ें नॉर्मल है, हम सभी जानते हैं, गर्ल्स को तो स्पेशली होता ही है ना। लेकिन कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इसमें सपोर्ट करते हैं कि इट्स ओके, देखो मुझे भी हुआ था, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ETC। कुछ लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि अरे देखो तुम्हारा फेस देखो कैसा लग रहा है, तुम कितनी गंदी लग रही हो,
हाँ, अरे तुम तो यार बेकारी हो, समझ रहे हो? वो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है इस तरीके के लोग आपको मिले हों, कि बचपन से ही आपके साथ ऐसा रहा है। बट हमेशा हमेशा आपको किसी ने सेव किया, किसी ने आपको प्रोटेक्ट किया है, और आपको लगता होगा कि कोई तो एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कौन है नहीं पता। दिन आपके ऐसे ही गुजरे होंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा दर्द हुआ, तकलीफ़ ज़्यादा हुई और खुशियाँ कम मिली, लेकिन उसके बाद भी आपको लगा होगा कि कोई तो है जो आपके साथ हमेशा रहता है। मेहनत आप बहुत करते होंगे और उसका आउटकम मतलब वैसा नहीं मिलता होगा जैसे कि आप सोचते हो, ठीक है? जैसे जैसे आपने सोचा, सॉरी गाइस, लाइट चली गई है यहाँ पर, इग्नोर इट। जैसे आपने सोचा, आपने कोई काम किया और आपने सोचा कि उसमें आपको 100 या 80% तक का प्रॉफिट होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको मिला 10% का ही प्रॉफिट, ठीक है? कुछ ऐसा होता होगा, जबकि मेहनत आपकी ज़्यादा लगती होगी। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है, वो ये कि आप इतने ज़्यादा काइंड हैं कि लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते होंगे। जैसे कि खुद बैठे और आपसे कह दिया वो काम कर दो, ठीक है? घर में भी ऐसा होता होगा, बाहर भी ऐसा होता होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पता चला कि किसी दूसरे का काम भी आप पर ही डाल दिया कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड, और ये लो उनका काम और कर दो, ठीक है? और घर पर भी हो सकता है ऐसा होता हो कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो आपको ही बार बार उठा दिया गया कि भाई किचन में ये काम कर दो, या घर में ये बेडरूम साफ कर दो, या कुछ भी कर दो, ठीक है? ये चीज़ें मतलब जिम्मेदारियां देने का काम, आपको जिम्मेदारी दे दी, हर जगह आपको जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन उस तरीके से अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे ट्रीट भी तो वैसा ही करो, जब इतना कुछ काम देते हो तो मुझे मेरे साथ आप लोगों का बिहेवियर भी कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। पता चला आपको ही दोष दे दिया, आप पर ही सब कुछ, इल्ज़ाम सारे आप पर ही मर दिया। तो ये चीज़ें होती रहती होंगी। प्यार के मामले में मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं रहता होगा आपका। जैसे कि अगर आप एक अच्छा दोस्त चाहते हो तो शायद दोस्त आपको अच्छा ना मिलता हो, मुश्किल से एक दो होंगे। और अगर फैमिली में आप एक्सपेक्ट करते हो जो यू नो पैम्परिंग, तो वो आपको नहीं मिलती है। और अगर लव लाइफ की बात करें तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि निराशा सी आपको मिलती रहती है, किसी भी कनेक्शन में आप आते हैं तो, ठीक है ना? अब यहाँ पर कई सारे, मुझे लग रहा है कई सारे सवाल भी आपके मन में रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है कि कई सारे सवाल आपके मन में रहते हैं जिनकी क्लैरिटी आप चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी आपको मिलती नहीं। आपके साथ में क्या होता है, जैसे आप कोई भी आपके मन में सवाल आया, उसका जवाब आपको मिला और आप संतुष्ट हो गए, ठीक है? आपने सोचा यस, ये इस सवाल का जवाब था। पता चला दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगा कि अरे ये तो नहीं था, ये तो उसका अपोजिट हो गया, ठीक है? तो ये चीज आपके मन में हमेशा रहती होगी कि आखिर है क्या। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, अबंडेंस की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे दिख रही है। अभी भी हो सकता है आपकी जॉब अच्छी हो, गवर्नमेंट जॉब में हो आप, या बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है जो संतुष्टि होनी चाहिए। जिम्मेदारियां भी आप पर ही हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है, आपके साथ अगर ये सब कुछ चल रहा है, तो आप फिर ये रीडिंग देखो, वरना तो आप ये रहने दो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसी टॉपिक पर वापस से वीडियो डालती हूँ तो आप वो देख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ आपके डेस्टिनी में है क्या, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। एक्चुअली गाइज, आप एक स्टार सीड हो। सबसे पहली चीज, स्टार सीड्स जो होते हैं वो इस दुनिया के होते ही नहीं है, ठीक है? वो एंजल के जैसे होते हैं और उनको इस दुनिया में किसी पर्पस से भेजा जाता है। और वो पर्पस क्या होता है? वो पर्पस होता है हीलिंग का, दूसरों को गाइड करने का। उनके लिए ज़रूरी होता है वो एक स्पिरिचुअल टीचर बने, स्पिरिचुअल हीलर बने, ठीक है ना? क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, उनको आगे क्या होगा पता चल जाता है पहले ही। ड्रीम्स के थ्रू सबके तरीके अलग होते हैं, जैसे कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को ऐसे ही आभास हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं, मेरे साथ क्या होता है, मैं बैठे बैठे मुझे लगता है कि ये होगा, ठीक है? ये चीज़ होती है। और ड्रीम्स भी मुझे आते हैं, जो मैंने बताया था आप लोगों को एक वीडियो में कि ड्रीम्स भी आते हैं, और ये भी मेरे साथ होता है। अच्छा, इंट्यूशन और आप कैसे समझ सकते हैं इंट्यूशन है या फिर सोच है? सोच का देखो कनेक्शन होता है उन चीज़ों से जो आमतौर पर आपकी लाइफ में चल रही हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, लगातार बात कर रहे हैं, किसी को बहुत पसंद करते हैं और उसका ख्याल अगर आपके दिमाग में आता है, तो ये इसको आप इंट्यूशन नहीं कह सकते। इंट्यूशन होती है जो अचानक से आए, जिसका बिल्कुल आपको, जिसके बारे में कोई बातचीत ना हो रही हो और अचानक से कोई ख्याल आ जाए, तो वो इंट्यूशन है। इंट्यूशन को और अपनी सोच को, मतलब इसको, इसमें थोड़ा डिफरेंस करना सीखो, ठीक है? आप खुद ही सीख जाओगे, आप लोगों को, क्योंकि आप स्टार सीड हो, आपको आ जाएगा समझ, लेकिन समय के साथ, ठीक है ना? अगर मेडिटेशन करोगे,
मैं बता दूं, मेडिटेशन करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा कि आप फ़र्क करना सीख जाओ, क्योंकि बड़ा हल्का सा फ़र्क होता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं और उनको लगता है कि इंट्यूशन बोली ऐसा नहीं है, इंट्यूशन अलग ही है। वो आपको अचानक से ऐसे कुछ फील होगा जिसके बारे में आप दूर दूर तक नहीं सोच रहे थे, ना आपने किसी को देखा, ना किसी की बात की, और अचानक से उसका ख्याल आ गया, ठीक है? तो ये इंट्यूशन होती है। वो एकदम से ना आपके दिमाग में आकर टन ऐसे करके होता है, ठीक है? मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ कि ऐसे घंटी सी बजती है। तो आप समझ जाइए कि भाई इंट्यूशन आपकी बोली। तो यहाँ पर क्या है आपके साथ, जैसे कि मैं कह रही थी, स्टार सीड हो आप लोग, तो इस दुनिया में आए हो किसी पर्पज़ के लिए। किसके लिए? स्पिरिचुअल टीचर या हीलर या गाइड बनने के लिए। अब अगर वो पर्पज़ आप फॉलो नहीं कर रहे, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे, देखो लाइट आ गई इसी बात पर अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। पता है क्यों? क्योंकि जो जिन्होंने आपको बनाया, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, जिनको भी मानते हो कि उन्होंने आपको बनाया, आप सभी लोग, कोई महादेव को मानता है, कोई मदर यूनिवर्स को मानता है, कोई कान्हा जी में, कोई गणपति बप्पा, और कोई वाहे गुरु, ठीक है, जिनको आप मानते हो, उनको जिनमें भी विश्वास है, आप मानते हो उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको किसी पर्पस के लिए बनाया। अब अगर आप उस पर्पस तक नहीं पहुंच रहे हो, तो आपको ऐसे ही पहुंचाया जाएगा। यही होता है, धक्के मिलते हैं इधर उधर से, तब जाकर आप सही रास्ते पर आ पाते हो। ये हो जाता है, जैसे आपके लिए रास्ता ये ढूंढा गया, आपसे कहा गया कि बेटा आपको इस रास्ते पर चलना है, आपको वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप इधर भाग रहे हो, ठीक है, इधर वाले रास्ते पर जा रहे हो, इधर वाले रास्ते पर जा रहे हो। तो क्या होता है, आपको लगता है कि ये वाला जो रास्ता है ना, ये बड़ा ही सुंदर है, हम इस पर जाएंगे तो हमें खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन ऊपर वाले को पता है कि ये रास्ता अभी तो सुंदर दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर खाई है, जाकर गिर जाओगे अंदर, ठीक है? तो क्या होता है, अब वो आते हैं, अब वो प्यार से तो आपसे कहेंगे नहीं, हाँ बेटा नो नो ऐसे तो कहेंगे नहीं, वो मिले बाबू उधर चल उधर चल ऐसे तो नहीं कहेंगे, तब वो तमाचे लगाते हैं तो ये तमाचे पड़ते हैं, ठीक है? मैं बहुत ही सरल भाषा में समझा रही हूँ, पता नहीं समझ आए ना आए, ठीक है ना? तो उस दिशा से आपको मोड़ने के लिए कि बेटा वहां मत जाओ, वहां तो बहुत बड़ा खतरा है, अभी अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में देखना फिर क्या हो। अब वो आपको खाई में तो जाने से खाई में तो नहीं जाने दे सकते, तो वहां से आपको मोड़ते हैं। तो आपको टर्न करने के लिए वो इस तरीके के लेसन आपको देते हैं, आपकी फैमिली से नहीं बन रही, आपकी फ्रेंड से नहीं बन रही, लोग आपको चीट कर रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आप इधर उधर घूम घाम के फिर आते हो अपने सही रास्ते पर, चलो मुझे यहाँ चलना है, और बस जैसे आपको वो रास्ता दिखा जो आपके सीधा डेस्टिनेशन पर जाता है, जहाँ पर आप सेफ हो, जिस काम के लिए आए हो, ठीक है, उस जगह पर पहुंच जाते हो वो काम करने के लिए, उसी वक्त ये सब कुछ होना बंद हो जाता है। अब आपकी किस्मत में क्या लिखा है बताती हूँ। आपकी किस्मत में लिखा है नेम, आपकी किस्मत में लिखा है फेम, आपकी किस्मत में लिखा है पैसा, आपकी किस्मत में लिखा है पूजनीय बनना, ठीक है, ये लिखा है आपकी किस्मत में, लोग पूजेंगे आपको, लेकिन आप सही रास्ते पर जाओ तो। आप इतना सब कुछ अभी झेल रहे हो, इसीलिए झेल रहे हो ताकि आप कुछ बड़ा कर सको, आप बहुत बहुत नाम कमाने वाले हो गाइस। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स क्यों हैं, आखिर लिखा क्या है डेस्टिनी में, लिखा ये है डेस्टिनी में, और आप उस तरफ जा नहीं रहे, हो सकता है कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया हो, अगर कर दिया है, अगर इस वाली स्टेज पर पहुँच गए हो, इस वाली पे नहीं, इस वाली पे, ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो, आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। मेडिटेशन करो, अपनी चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करो, लोगों को हील करो, लोगों को गाइड करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप एक जीता जागता एग्जाम्पल बनोगे लोगों के लिए, जिसने लाइफ में इतना स्ट्रगल सहा और उसके बाद एक स्टार की तरह सामने आया चमकता हुआ, आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हो, लिविंग एग्जाम्पल, जिसको देख कर लोग आगे बढ़ेंगे, ये है आपकी डेस्टिनी में। इसलिए आपको इतना स्ट्रगल सहना पड़ता है, और हो सकता है अभी भी पढ़ रहा हो, और हो सकता है कुछ दिन आगे और ये सहना पड़े, लेकिन उसके बाद देखना क्या हो, कैसे चमकोगे आप, लोगों के भ्रम को दूर करोगे, जो भ्रम अभी आपके साथ में है ना, उन सबके लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, और बाद में आप लोगों को गाइड करोगे कि बेटा देखो ऐसे है तो इसका मतलब ये है, परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, समझे? आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हो ये दिक्कत है आपके साथ, सच बता रही हूँ। और कितना टाइम लगेगा ना, वो भी मैं अभी आपको देखकर बताऊंगी।
स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना गाइस, वो टफ होती है, ऐसा है। क्या करें, आपने खुद चूज़ किया है ये रास्ता, पता है आपको, मैं बता दूँ। स्टार सीड्स यहाँ पर जानकर ही आते, ऐसा नहीं है कि उनको धक्का मारकर इस दुनिया में डाला जाता है, नहीं, वो खुद आते हैं, क्योंकि वो हीलर्स होते हैं ना। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे यहाँ पर दुख दिखाई दे रहे हैं, लोगों के बीच में तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं, लोग बहुत ही पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो मुझे वहाँ पर भेज दो। तो इस दुनिया में उनको भेज दिया जाता है, लेकिन आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो भी लोभ लालच ये सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर हम अपना पर्पस भूल जाते हैं। तो अपने पर्पस को याद दिलवाने के लिए जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे एंजल्स हैं, या जिनको आप मानते हो वो हैं, को इस रास्ते पर लेकर आते हैं ये सारे एक्सपीरियंस देते हुए। यही होता है गाइस ज़्यादातर लोगों के साथ, लेकिन हाँ स्टार सीड्स के साथ तो होता ही होता है, और सबका तो हल्का फुल्का है, सभी का कोई ना कोई पर्पस होता है, तभी हम इस दुनिया में आए हैं, वरना क्यों आते। लेकिन हाँ स्टार सीड्स का तो फिर डायरेक्शन गार्जियन, सी चूज योर पाथ, देखो मैंने बोला था देखा, मैंने यही कह रही थी मैं, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन आपको मिलेगी। और देखो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या बनने की ज़रूरत है, प्रोफेशन आपका कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग छोड़ दें, डॉक्टर हैं तो वो अपना काम करना छोड़ दें, नहीं 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 वो करो, लेकिन ये आपको अलग से करना है, ठीक है। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, सी, देखा वही मैं बोल रही थी, यानी कि जो दुख और तकलीफें आ रही हैं उनको अलग ही नज़रिए से देखो, ऐसे मत देखो किस्मत ख़राब है, किस्मत इस्मत कुछ नहीं ख़राब है, बहुत अच्छी है, सिर्फ आपको रास्ता नहीं मिल रहा। और दिखाऊं कुछ, ये देखो सन, इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ। अब इतना तो आपको भी आ गया होगा रीड करना कार्ड्स, है ना, कि यहाँ पर क्या है, अपनी डायरेक्शन चूज़ करो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ, ठीक है, अगर मैं ये रीडिंग नहीं करती ना तो कुछ दिनों में आपको ही पता चल जाता, सच्ची। यहाँ पर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा अलग हटकर देखो, ऐसे नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपकी किस्मत बुरी है ना, हमेशा क्यों ऐसे क्यों सोचते हो, हैं मार लगाओ हमेशा बताती हूँ ऐसे नहीं सोचना है, किसी की किस्मत बुरी नहीं होती। आप लोग जॉब करते हो, क्या कहते हो, हमें बड़ा काम दो, अपने बॉस से कहते हो हमें कुछ बड़ा दो करने के लिए, कुछ अलग दो, यूनिक दो करने के लिए, अगर वो नहीं देते हैं आपको कैसे लगता है कि हम काबिल नहीं है, है ना। और अगर वो देते हैं तो क्या होता है, ओवरनाइट काम ही काम, ढेर सारा काम, ढेर सारे स्ट्रगल्स, है ना, फिर वो तो आपको अच्छे लगते हैं, फिर ये क्यों नहीं, आपको लायक समझा गया तभी तो इस दुनिया में भेजा गया, बड़ा पर्पज़ है आपका, उसको पूरा करना है, तो भाई ये सब कुछ तो होगा, और खुद आपने ही चूज़ करा है, किसी और ने थोड़ी ना ज़बरदस्ती आपको दे दिया। ओके, मैं दो कार्ड्स और निकालूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर और क्या गाइडेंस है। ये दोनों कार्ड्स तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से थे, तीन कार्ड्स, ठीक है, और मैं देखती हूँ यहाँ से भी देखूंगी फिर अच्छे से आपको बताऊंगी। एक्सेप्टेंस, ओके, ग्रिफ, ये बात है, बाबा की तरफ से भी देख लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। सेलिब्रेशन, कंग्रेचुलेशन, तो ये आ गया आपका कार्ड। अब हम देखेंगे एक और कार्ड देखेंगे, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ट्रस्ट एंड फेथ, बाबा कह रहे हैं ट्रस्ट रखो। अब मैं आपको ना ये वाले कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। थर्ड आई चक्रा पर कैसे काम करोगे, कौन सा मेडिटेशन करोगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था और फिर से वही कार्ड्स, वही मतलब गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करना है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
या तो कोई कनेक्शन खत्म हुआ है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है किसी की क्षमा करें, हो सकता है कोई ना रहा हो आपकी फैमिली में, ठीक है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा कोई अनुभव है आपका ज़रूर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और आप उससे छूट नहीं पा रहे, उसको पकड़ कर रखा है। जैसे ये देखो, ये वाला कार्ड है ना, दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ पर ये किस तरीके से लड़की इस को लेकर खड़ी हुई है, रो रही है, उस वो है नहीं, ठीक है, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको पकड़ कर उसने रखा है इस एनिमल को, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो चला गया, उसको ये है वो आ जाएगा, इसलिए उसको गोद में लेकर उसको खड़ी हुई है, बैठी हुई है, जैसे समझ लो। ये कार्ड पता है क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिलीज़ कर देना ज़रूरी होता है, जिसमें कुछ रहा ही नहीं, जिन चीज़ों में कुछ रहा ही नहीं, जैसे कोई कनेक्शन है आपका ख़त्म हुआ, ओके, अब आप उसको लेकर रोए जा रहे हो, ठीक है, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, हम ये कर लेते तो नहीं होता, हम वो कर लेते तो नहीं होता, मेरे साथ क्यों हुआ, उनके साथ तो नहीं होता, मतलब कई तरीके के सवाल। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को छोड़ दो, और अगर किसी कनेक्शन को लेकर बैठे हो या किसी ऐसे अनुभव को आप लेकर बैठे हो, उसको बार बार याद कर रहे हो, तो उसको याद करना बंद करो, ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो। और जैसे ही आप ये करोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। ये एक छोटा सा ब्लॉकेज है, मुझे नहीं पता कि क्या है ये तकलीफ़, कौन सी है, कोई भी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल्स में कि ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन नहीं पता कि क्या है, जो भी है उससे बाहर निकलो। अब इससे बाहर कैसे निकल पाओगे, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो उसके लिए ही आपको थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। कुछ लोग तो इससे निकल आए हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है ये यही बताता है कि कुछ लोगों को तो पता चल गया है कि जिन चीज़ों में वो फंसे हुए थे उसी की वजह से इतने उदास या परेशान थे, ठीक है, निराश थे, आप जैसे जैसे उससे बाहर निकल रहे हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि ये सब कुछ व्यर्थ था, कुछ के लिए तो ये है क्योंकि ये कार्ड आया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि शायद आपको नहीं पता, और आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ये करते हो, ठीक है, इस एनर्जी को छोड़ते हो और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करते हो, तो आप इस वाली एनर्जी में आ जाओगे, यानी कि सेलिब्रेशन, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। थर्ड आई चक्रा आपके लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ भ्रम हैं, भ्रम मात्र हैं, और आप उनको सच समझ कर उसमें जी रहे हो, खुद को दुखी कर रहे हो। आप जैसे ही थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे, आपको सच दिखने लग जाएगा कि क्या है, और जैसे ही आपको सच दिखा, वैसे ही आपके अंदर आप एक सुकून सा महसूस करोगे। तो हो सकता है यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो ये ना करें मेरे कहने से, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट तो मैं फिर भी करूँगी कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ उसको सुने और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, ठीक है, उसको सुनते हुए मेडिटेशन करें, शुरुआत ऐसे करें, थर्ड आई चक्रा पर कैसे काम करना है वो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको करना है, ये गाइडेंस है। और जितना हो सके एनिमल्स के साथ जुड़कर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और आपको गाइड करेंगे, एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स, ओके, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी रीज़न से ही कह रही हूँ, आपको उनसे जुड़कर रहना है। और अगर आप उनसे भागते हैं, डरते हैं, मारते हैं, तो ये बिल्कुल बंद कर दो, बहुत गलत है आपके लिए। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है, तब तो बिल्कुल भी इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है, यस। तो गाइज, ये है आपकी डेस्टिनी में, और ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, ढेर सारी किसियाँ। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है, लेट्स सी। ओके, हेरोफेंट, स्पिरिचुअल टीचर,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव एंड फाइव हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो आजकल में, ठीक है ना, या फिर मई में आपका बर्थडे आता हो, आपका कैसे आएगा? आप हाँ है तो मई मैं कह रही हूँ आपका कैसे आएगा, है तो मई यहाँ पर, तब तो आते ही है। ये देखो बेकार की बात करी मैंने 555 बहुत दिखता होगा आपको। ओके, थ्री ऑफ कप्स। गाइज मैं कार्ड सारे ही निकाल लूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी, याद रहे, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि तुरंत मैं कुछ एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, नहीं, मैं एक साथ ही करूँगी ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, बढ़िया से एक्यूरेट रीडिंग दूँ मैं आपको ये मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है? एक कार्ड मुझे और चाहिए, एस ऑफ वांड्स। क्रिएटिव तो आप बहुत ज़्यादा हैं, और देखते हैं भाई क्या है आप आपके लिए। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। क्या हुआ, किसको छोड़कर निकल लिए हो? हरमेट, एम्परर, एट ऑफ वॉन्स, हाँ मुझे लग ही रहा था, द वर्ल्ड, टॉवर। यहाँ से भी देखेंगे हम गाइस क्या आता है, और डेथ, द वर्ल्ड, ओके, एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। हैवी एनर्जी है गाइस, बहुत हैवी है, तभी फाइव आ गया, सबसे पहले ही फाइव आ गया, क्योंकि 555 555, और अगर फाइव आपको दिखता है ना गाइस, तो समझ जाओ कि बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा नंबर है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, ये समझ के चलो, ठीक है ना, और वो सबसे पहले ही आ गया। अरे आपने तो लाइफ में बहुत झेला होगा सच में, बहुत झेला होगा। नंबर 13 आया है यहाँ पर। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, अगर आप लोगों को एंजल नंबर 13 13 दिखने लग जाए, सिर्फ 13 नहीं, 13 13, समझ जाओ कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। मैन होल्डिंग अ हॉर्स, पेशेंस। नंबर 3 हो सकता है काफी ज्यादा दिखता हो आपको, या फिर हो सकता है कि बर्थ डेट हो 3, ऐसा हो सकता है। ओके, मैं यहाँ से भी कार्ड्स लूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। हालांकि फर्स्ट पाइल में मैंने बाद में लिए थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है तो मैं लूँगी। फेथ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये ऐसे अबंडेंस कंप्लीशन। ओके गाइस, तो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को कि आप देख लें कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, तब तो आप इसको कंटिन्यू रखो, अगर नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करोगे, है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, हाँ फिर से कहूँगी, 555 बहुत दिखता होगा, और 5 हो सकता है बर्थ डेट हो, 3 हो सकता है यहाँ पर, 13 हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड गाइज आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा किया है। ये ग्रुप 1 में भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही है सीन।
यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में, मतलब दूसरों की खुशियों के लिए जीते हो आप, जीते अभी तक जीते आए हो और अभी भी जीते हो, जैसे आपकी फैमिली हो गई, और मुझे आप फैमिली भी नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जैसे जो भी आपसे कनेक्ट होता है आप उसको, आप उससे बहुत लगाव रखते हैं। लगाव मतलब ये नहीं कह रही कि आपको प्यार हो जाता है प्यार वाली बात नहीं कह रही, लेकिन आपकी कोई सोच है ऐसी, जैसे जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि अगर मैं इंसान हूँ ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है तो वो भी इंसान है उसे भी लगेगा, वो वाली चीज़, हाँ न्याय वाली चीज़, हाँ न्याय, जस्टिस। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड नहीं है लेकिन मुझे एनर्जी वैसी लग रही है कि हो सकता है आप ऐसे ही हों, वो दया की भावना रहती है आपके अंदर, आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, दर्द में नहीं देख सकते। अगर आपने किसी को खाली पेट देख लिया, जैसे आप कहीं जा रहे हो सड़कों पर, आपने देख लिया कि लोग भूखे हैं, खाना नहीं मिला, शरीर पर कपड़ा नहीं है, ठीक है, पीने को पानी नहीं मिल रहा, तो आप घर पर आओगे और हो सकता है आपकी भूख चली जाए, ठीक है, कुछ ऐसा, आपको खाने पीने का ही दिल नहीं करेगा। या किसी को आपने रोते देख लिया, तो आप अगर कुछ, कोई आपके घर में पार्टी है, कुछ सेलिब्रेट आपको करना है, तो वो करने का मन नहीं करेगा, आप उसके बारे में सोचते रहोगे कि वो रो रहा था, वो रो रही थी, ठीक है, कुछ इस तरीके का नेचर हो सकता है आपका। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप ओपन अप नहीं होते लोगों के सामने, मतलब जो भी दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो आप अपने मन में ही रखते हो, आपको बताना नहीं है। आपके साथ में ये है कि मैंने अगर बताया तो सामने वाला भी दुख में आ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा, तो उसको दुख नहीं देने। उसके सामने जब आप आ रहे हो तो आप ऐसे ही लग रहे हो कि आपको किसी बात की कोई टेंशन है ही नहीं, एक जैसे नहीं आपने मास्क लगा कर रखा है अपने फेस पर, आपको, मुझे नहीं लगता कि लोग आपको समझ पाते होंगे कि आप क्या हो, आप एक मिस्ट्री की तरह हो। लोगों को अगर आपके बारे में कोई लोगों से पूछे कि भाई ये बता दो ये बंदा कैसा है, तो पता है वो कैसे बोलेगा, अरे बहुत खुश रहने वाला बंदा है, उसकी लाइफ में कोई टेंशन है ही नहीं, अरे मस्त रहता है, बहुत बढ़िया। जबकि असलियत क्या है, असलियत कुछ और ही है। इतने ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखने देखे हैं, इतनी एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, दिल के आप बहुत ही अच्छे हो, और जब आप प्यार करते हो तो टूट कर करते हो, और किसी को किया भी है आपने, और फिर वहाँ से आपकी एंडिंग हुई, और किस तरीके से आपने बैलेंस बना पाया, किस तरीके से उस सबसे बाहर निकले हैं, वो शायद मैं भी नहीं समझा पाऊँ लोगों को मैं भी नहीं बता, मतलब मैं ही आपको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ शायद, क्योंकि सच में बहुत दर्द रहा होगा वो जो पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ पर हुआ तो है, कोई एंडिंग तो हुई है। एट ऑफ कप्स भी है, डेथ भी है, दोनों कार्ड्स यूं ही नहीं आ सकते एक साथ, ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। और ये एंडिंग भी ना बड़ी अजीब सी है, या तो सामने वाले ने आपको चीट किया हो सकता है, और वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है, जैसे आपने खुद वो कनेक्शन छोड़ दिया, या फिर हो सकता है रिसेंटली आप किसी कनेक्शन में हैं जिसको आपने छोड़ रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो। अब यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर रिलीजन या कास्ट को लेकर इश्यूज है, तो हो सकता है पहले जिस कनेक्शन में थे वहाँ पर भी यही बात हो, अभी जिस कनेक्शन में हो सकता है उसमें ये बात हो, पहले वाले में ना हो, पहले वाले में कुछ और इश्यूज हो, लेकिन हाँ एंडिंग तो हुई है और बहुत बुरी हुई है, उठा पटक हो गई, हो सकता है डिवोर्स वगैरह हुआ हो, नो आइडिया, लेकिन हाँ जो भी कनेक्शन रहा है दर्द आपको बहुत मिला है, असंतुष्ट आप हमेशा रहे, धैर्य रखते रहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हमेशा करते हो, यही करते हो, खुद को हिम्मत देते हो कि सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा, लेकिन फिर आगे से जब आप देखते हो कि चीज़ें पलटती जा रही हैं, बिखरती जा रही है, तो कोई कितनी हिम्मत बनाकर रखे। उसके बाद भी मैं आपको सैल्यूट करूंगी कि आप अभी तक खड़े हुए हैं और आप एम्परर की एनर्जी में हैं। जिम्मेदारियों को उठाना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ऐसी स्थिति में जबकि आप अंदर से टूटे हुए हैं, उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं लगातार, एक योद्धा से कम नहीं है आप, लेकिन हो सकता है आप खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं समझते ऐसा लगता है मुझे। अगर आपसे कोई बात करेगा तो आप यही कहोगे कि अरे मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये चीज़ रहेगी, आपके अंदर घमंड नहीं है बिल्कुल। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कितना भी आपके सामने डार्कनेस आ जाए उसमें रोशनी ढूंढने की कोशिश करते हो, जैसे ये हरमित का कार्ड है, ये कार्ड यही बताता है, कितनी भी तकलीफें हो ना फिर भी ये देखो लाइट लेकर ऐसे जा रहा है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे नहीं मतलब एक एक किरण भी दिख गई ना तो काफी है, हम उस दिशा में चल देंगे।
रोशनी की एक किरण दिख जाए बस, तो वो हाल है। बहुत ही मैच्योर हैं आप और भाई काफ़ी साइकिल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत बहुत। इतना सब कुछ झेल पाना किसी इंसान के वश की तो नहीं है। मसीहा ही हो आप, एंजली हो आप सच में, और सच में बहुत अच्छी एनर्जी। आपको तो प्रणाम करना चाहिए सच में क्योंकि यहाँ देखो कॉम्प्लीशन का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी डेथ है, यहाँ पर भी टॉवर है, क्या रह गया है, कुछ रह गया है? सब कुछ तो झेल लिया आपने। लेकिन गाइस अच्छी बात ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है, यही होता रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर अवेयरनेस भी है, यहाँ पर ब्लॉसमिंग अवेयरनेस, दो दो कार्ड ऐसे आए, खुद देखो ना, ठीक है। मुझे पता है कि परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं ना, तो लग रहा होगा कि पता नहीं अब कुछ होगा भी या नहीं होगा, लेकिन नहीं है, अवेयरनेस है, सब कुछ है। और शायद किसी को बहुत पसंद भी करते हैं आप मैं ये डिस्कस करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है किसी को आप बहुत पसंद करते हैं या फिर कोई आपको बहुत प्यार करता है और आपको पता है, और हो सकता है आपको लगता हो कि वो एक आखिरी विश है आपकी, अगर वो पूरी हो गई तो आपके जीवन में जितने भी दुख अभी तक आए हैं आप उनको भूल जाओगे, लेकिन पता नहीं वो भी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। मैं ये ज़रूर देखूंगी कि कैसे मिलेगा और ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्योंकि अभी तक मुझे इतने खास ब्लॉकेजेस दिखे नहीं। हालांकि ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि कभी कभी आप अपने जो पास्ट है आपका उसमें चले जाते हो, जो चीज़ें आपने खोई हैं उनको पकड़ कर बैठते हो। ये ग्रुप वन में भी कार्ड आया था, यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर जो कंप्लीशन का कार्ड है वो भी यही बताता है कि जिन चीज़ों की एंडिंग हो गई है ना, उनको आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हो सकता है आप अभी ये भी कहोगे कि हम तो एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन नहीं, मूव ऑन नहीं, इसको मूव ऑन नहीं कहते कि हम कह रहे हैं कि हम मूव ऑन कर चुके हैं और हम कर गए मूव ऑन, हम तो देखो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं होता मूव ऑन कुछ और ही होता है, आप समझ गए होगे मैं जो बोल रही हूँ। मूव ऑन का मतलब है कि पूरी तरीके से उसको भूल जाना, ये समझ कर कि जो हुआ वो मेरे लेसन थे, मुझे मिल गए, मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया, नाउ आई नीड टू मूव ऑन। ये आप खुद से अगर कहते हो, सच में आपका दिल ये स्वीकारता है, तब तो अच्छी बात है, वरना मूव ऑन कुछ भी कहते रहो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आपको फील करना पड़ेगा। यहाँ पर विक्टिम का भी कार्ड आ गया, देखो एंड सी द कार्ड्स, एक एक करके कार्ड देखो। यहाँ पर सबसे बड़ी, पता है सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है आप लोगों के लिए कि कंप्लीशन, यहाँ ग्रेफ है, कंप्लीशन है, विक्टिम है, आप खुद को विक्टिम समझते हो कि जो हुआ आपके साथ बुरा हुआ, आपको ही, आपका ही लोगों ने फ़ायदा उठाया। आइसोलेशन का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आप काम करते होगे, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होगे आप लोग, आपको लगता होगा आप इतना सारा काम करोगे ना तो इस सबसे बाहर निकल आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पैशन, जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो कर रहे हो। सकता है यहाँ पर कई लोगों को ये समझ भी आया हो कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हो रहा था इसलिए हो रहा था क्योंकि आप अपना पैशन ढूंढ सके, उसको फॉलो कर सके, लेकिन आप इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हो कि खुद का ध्यान ही आपको नहीं रहता और दुख आपके अंदर अभी भी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये सब कुछ उनकी लाइफ में क्यों हुआ, उसके बाद भी वो इसी वाली एनर्जी में है। और हाँ, ये होता भी है क्योंकि अकेलापन महसूस करते हैं आप, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते, किसी को कुछ बताते नहीं हैं, तो सीधी सी बात है ये एनर्जी आपके अंदर पनपेगी, है ना। पर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है वो मैं बता दूँ, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, और ये हो चुका है, आगे नहीं होगा, ठीक है, ये हो चुका है ऑलमोस्ट। एक साइकिल है जो कंप्लीट होना है अभी भी, और हो सकता है इसको एक साल लगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपकी किस्मत पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अवेयरनेस ही अवेयरनेस है, बस थोड़ी दूर है। और ये पता क्या है, ये या तो कोई काम है आपका जो पूरा होना है, या फिर किसी के साथ में आपको कनेक्शन में आना है, कोई है जो आएगा, ये देखो, और या फिर हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आ चुका हो और आप अभी उस कनेक्शन को समझ नहीं रहे। ये कनेक्शन सब कुछ चेंज करेगा, जैसे ही वो लाइफ में आया, नहीं, कनेक्शन चेंज मतलब किस्मत चेंज। ये देखो स्टॉर्म वार्निंग, हो सकता है कोई है ज़रूर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो यहाँ पर ये मैन होल्डिंग अ हर्ट का कार्ड नहीं होता। कोई ज़रूर है जिसको आप पसंद करते हैं या फिर जो आपको पसंद करता है, या तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन हाँ उसी के साथ में आने के बाद चीज़ें सब कुछ बदल जाएंगी,
ये मैं बता दूँ, अब कौन है वो आप जानो। अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है तो ये आने वाला है, और अगर कोई है तो हो सकता है आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो आपको करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम और लगेगा। यस, देखो मैंने कहा था ना, जबकि मैं डेस्टिनी की रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पर कार्ड्स देखो क्या आ रहे हैं। आप स्पाई करते हो उनको, आप करते हो स्पाई। अब अगर आपने मना किया है, उनको सामने वाले को ना बोल दिया है, तो आप स्पाई क्यों कर रहे हो फिर बताओ भाई? इसका मतलब है कि दिल कुछ और चाहता है। फिर से टॉवर यहाँ है, कुछ कास्ट रिलीजन वगैरह का कुछ फ़र्क हो जाता है, या फिर सोसाइटी को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी क्या बोलेगी। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले रही मैं, मदर यूनिवर्स क्या बात है, और उसकी वजह से आप इस सबसे बाहर नहीं निकल पाते। फोर ऑफ कप्स, आप ही ने नहीं मानी बात किसी की। टेम्परेंस है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्स। ओके, यस, सितंबर से चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपकी किस्मत बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी तक आपने जो झेला है ना, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, और इसीलिए आपके मन में ये चीज़ें हैं कि हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, इसीलिए आप लोगों ने बोला कि रीडिंग करो। मैं समझ सकती हूँ, जब इतना कुछ झेलोगे तो लगेगा ही किस्मत ऐसी है क्या, लेकिन नहीं, ये सारे लेसन थे। अगर किसी कनेक्शन में थे वो एंड हुआ है, तो उसका रीज़न ये था कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, सही जा रहे हैं आप। अगर आपको समझ आता है ये कि वो कनेक्शन इसलिए मिला था क्योंकि आप अपने पैशन को देखें, उस पर काम करें, खुद पर काम करें, तो हाँ यही बात थी, क्योंकि यहाँ पर भी वही आ रहा है, इंट्यूशन आपकी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, और अभी जो हो रहा है, हो सकता है अभी भी आपको सोसाइटी का, इन सारी चीज़ों का डर रहता हो, तो जब तक ये डर रहेगा तब तक ये साइकिल्स चलते रहेंगे। आपकी किस्मत ना, आपकी किस्मत, जैसे कि मैंने कहा कि हम अपनी किस्मत को खुद क्रिएट करते हैं, आपके साथ तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सामने ही सामने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको पता है। जैसे आपके आपको कोई रोज़ दे रहा है, ठीक है, और एक तरफ कोई आपको कांटे दे रहा है, तो आप कांटों को पकड़ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कांटे दिए गए हैं वो आपके सोसाइटी से, आपके जानने पहचानने वालों से दिए जा रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि वो आपके अपने, एक बार सोचो अगर वो आपके अपने हैं तो वो आपको कांटे क्यों दे रहे हैं। समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जिनको समझ आना चाहिए उनको आ गया होगा कि अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो वो आपको अपना कैसे हो सकता है। ठीक है, और कोई आपको गुलाब दे रहा है तो आप उसको पकड़ नहीं रहे, आप उसको ठोकर मार रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसी और को अपना समझ रहे हो, या आपको कुछ ऐसी चीज़ों का लालच है, जैसे आपके अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का, सोसाइटी में आपके नाम का, और उसकी वजह से आप अपनी खुशियों को खुद ठोकर मारते हो, और इस तरीके से आपके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर आप कहते हो भगवान ने आपकी किस्मत ख़राब लिख दी। समझ गए मैं क्या बता रही हूँ? यहाँ पर आपकी किस्मत में सब कुछ है, अबंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन वही बात है कि आप एक्सेप्ट करो ना करो। देखो यहाँ पर मैं कार्ड दिखाऊँ, ये देखो नीचे ये बड़ा सा बॉक्स रखा है, और ऊपर ये देखो ये दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये बीच में एक छत सी बनी हुई है। ओके, क्या है नीचे है यहाँ पर, लेकिन उतर कर नहीं आना। देख रहे हैं, रो रहे हैं कि नीचे रखा है, लेकिन उतर कर नहीं आएंगे। समझ गए? डेस्टिनी में ये है, समझ लो, किस्मत में ये है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना सीखो, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति है ना, दूसरों को खुश कर लें, दूसरे कभी खुश नहीं होते, कभी नहीं होते, सच बता रही हूँ मैं जानती हूँ ना, मुझे सुनने मिल जाता है। मैं दिन रात लगी रहती हूँ, उसके बाद भी कहने वाले मुझे कह देते हैं, ठीक है ना, काम ही करती रहती हूँ, आप लोग तो देखते हो। इससे बाहर निकलो, किस्मत में ये है, अबंडेंस है भर भर के, और आपके लिए तो दो दो कार्ड्स आए हैं अबंडेंस के। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, आप कहोगे कि वही बात बार बार क्यों बोल रही हैं, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि समझो अबंडेंस है किस्मत में, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। सबको खुश करना बंद करो, पहले खुद के बारे में सोचो। गॉट इट? समाज सेवा करनी है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ कुछ तो आप ऐसा करते हो, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है, लोगों की मदद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद को खुश रखो, बाद में किसी को खुश करना। ऐसे रहोगे तो कब तक करोगे, ब्रेक लग जाएगा भाई। डिटैचमेंट सी, मैंने कहा था, देख लो अब तो यकीन हो गया, बाबा भी वही कह रहे हैं, डिटैचमेंट यानी कि आपको दूसरों की कम सुननी है, अपनी करनी है, जो आपकी आत्मा कहती है वो करो। आपकी आत्मा जिस दिशा में जाने के लिए कह रही है उस दिशा में जाओ। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि अपने पैशन को फॉलो मत करो, लोगों की हेल्प मत करो, लेकिन इस तरीके से,
ये कौन सा तरीका है भाई? यहाँ पर आ रहा है यू आर सेम एज मी, बाबा की तरफ से ग्रोथ, एंड यहाँ पर आपके लिए आया है लर्निंग। ओके, मैंने इतने कार्ड नहीं निकालने थे, फिर भी बाबा ने दे दिए आपको। बाबा कह रहे हैं कि अभी तक जो भी हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि आपको सिखाया जा रहा था। जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, स्कूल से यूनिवर्सिटी जाते हैं, लर्निंग करते करते जाते हैं, कितना टफ टाइम होता है वो हमारा, है ना। एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स के वक्त मन करता है कि 12-12 एक बजे या 2 बजे तक बैठ कर पढ़े, नहीं करता ना, लेकिन करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और उस वक्त क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है। वैसे ये स्कूल की तरह ले लो अपनी लाइफ को, ग्रोथ होनी थी, इसलिए ये सब कुछ आपको बताया गया, सिखाया गया। इतने दर्द तकलीफ़ें मिले हैं, अब नहीं है, अब आप सीख चुके हो, ठीक है। और अगर ईश्वर को दोष देते हो, दोष देना बंद करो। ऑल राइट, सब कुछ है आपके पास में, सब कुछ है, बस थोड़ा सा हाथ पैर मारने हैं आपको, और वो आप नहीं कर रहे। अब पता नहीं कौन से ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। ओके, आपको शायद ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमने विरोध कर दिया तो क्या होगा, पता नहीं हमने नहीं सुनी तो क्या होगा, सोसाइटी में कैसा नाम होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये वो, इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। मूव बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न, सी 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 सी, देख लिया। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें, जो नियम बन चुके हैं, उनसे आगे बढ़ो, आगे कुछ करो, नया करो, उन्हीं सारी चीज़ों में फंस कर मत रहो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गए हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वर्ड ही याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो जैसे लोगों ने कह दिया ना, बेटा इस लाइन पे चलना है, आपको उसी लाइन पे आप चल रहे हो। आपको पता है कि इस रास्ते पर आपको दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ें मिल रही हैं, पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, पैर दुख जाएंगे, लेकिन फिर भी आप वहीं चलोगे क्योंकि लोगों ने कह दिया। और आपके आपके खुद एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि बेटा उससे बाहर निकलो, नए रास्ते बनाओ, हमेशा उसी में पड़े रहना ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। सी, अपने डर से बाहर निकलो, डर है आपके अंदर, डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपके अंदर डर है। और उसके बाद पता है क्या होगा, देखो, इन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यानी कि अगर थोड़ा सा आप इस पर काम करोगे ना, थोड़ा अपने डर से बाहर निकलोगे और अलग सोचने की कोशिश करोगे, उसके बाद कैसे अबंडेंस तो है ही आपकी लाइफ में, देखना कैसे दरवाजे खुले हैं आपके। आप कहते हो किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी किस्मत में ये लिखा है कि जो भी आप चाहते हो वो तभी मिलेगा जब आप प्रयास करोगे। ऐसे नहीं कि आप बैठे रहो खुद ही मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, हनुमान, देखो वही कार्ड आ गया, वही मैं आपको बोल रही थी कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल। हो सकता है ये डर हो आपके अंदर कि अगर आप ट्राई करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी, पता नहीं नहीं मिले तो लोग और उल्टा सुनाएंगे या फिर बोलेंगे कि लो कर लिया ट्राई आपने, लेकिन ये डर होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर। आप सच में बहुत पावरफुल हो, मैजिशियन हो आप, लेकिन आप भूल जाते हो, पता नहीं क्यों भूल जाते हो। कैसे लोग हैं आपके आसपास आपको मोटिवेट नहीं करते, आई थिंक, लेकिन यहाँ तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना उसका असर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और यकीन मानिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये पता है कि उनको क्या करना है, वो अगर ये करेंगे तो उनके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता ये एनर्जी मुझे क्यों मिल रही है, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन आई फील 80% लोगों को पता है कि उनकी खुशियाँ कहाँ हैं, लेकिन सिर्फ वो डर रहे हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। गाइस देखो, ये किस्मत को लेकर रीडिंग थी, आपकी डेस्टिनी में क्या है, मैंने आपको बता दिया आपकी डेस्टिनी में क्या है, अबंडेंस है आपकी डेस्टिनी में, सब कुछ है, सब कुछ जो आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो गाइस, थोड़ी सी हिम्मत, ठीक है। अपने रूट चक्रा पर काम कर लो, अपने सैक्रल चक्रा पर काम कर लो, बस इतना करोगे काफ़ी है, अब आप इस डर से बाहर निकल आओगे, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ मेडिटेशन करो उस पर, ठीक है ना गाइस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।